सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, जितने भी ऋतिक रोशन के फैन हैं, जूनियर एनटीआर के फैन हैं, अयान मुखर्जी के फैन हैं और वॉर 2 मूवी आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वॉर 2 मूवी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी और धमाकेदार न्यूज निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वॉर 2 मूवी की शूटिंग से रिलेटेड अभी क्या न्यूज निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि जो न्यूज निकलकर आ रही है वो जूनियर एनटीआर के शूटिंग शेड्यूल से निकलकर सामने आ रही है। जो ऋतिक रोशन है वो वॉर 2 मूवी में प्रॉपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। जापान के शिलोंग टेम्पल में ऋतिक रोशन की एंट्री का भी सीन शूट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जूनियर एनटीआर अभी तक सेट्स को ज्वाइन नहीं किए हैं। तो वो सेट्स को कब से ज्वाइन करने वाले हैं, कहां पर उनका फर्स्ट शेड्यूल होगा, सभी की डिटेल्स निकलकर सामने आ चुकी है। आपको दोस्तों न्यूज बता दें तो 12 अप्रैल फ्राइडे के दिन, जी हां दोस्तों, कल के दिन 12 अप्रैल फ्राइडे को जूनियर एनटीआर वॉर 2 मूवी के सेट्स को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे और अपनी जो एंट्री का सीन है वो हमें शूट होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों, वॉर 2 मूवी की जो रिलीज डेट है वो 15 अगस्त 2025 की है। 14 अगस्त 2025 यानी कि अभी से ऑलमोस्ट 1.5 साल का समय बाकी रहता है और इस 1 साल से ज्यादा के समय में वॉर 2 मूवी की बारीकी से शूटिंग की जाएगी, जिसमें वॉर 2 मूवी 1000 करोड़ प्लस की मूवी है, ये सभी लोगों को पता हुआ है। अब फिलहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है, जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन प्लस अयान मुखर्जी का जो टाइप है क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? वॉर 2 मूवी जो है क्या वो 1000 करोड़ प्लस कलेक्शन कर पाएगी या नहीं करेगी? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।